रावण का इतिहास भाग दो। रावण का जन्म और अमृत कुंड का रहस्य। ये कथा तब से शुरू होती है जब पृथ्वी पर माल्यवान, माही और सुमाली नमक तीन राक्षस हुए थे। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और बलशाली होने के वरदान प्राप्त किए। वरदान प्राप्त करते ही सबसे पहले वो शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी के पास गए और उन्हें शिभावन की भांति एक भवन बनाने को कहा। उन्होंने उन राक्षसों को बताया कि त्रिकुट पर्वत एक सोने की लंका है, जो उन्होंने इंद्रा के कहने पर बनाई थी। चूंकि इंद्र अमरावती में रहते हैं तो तुम लोग जाकर वहां अपना निवास स्थान बना सकते हो। इतना सुनते ही तीनों भाई खुशी खुशी वहां चले गए। फिर उन तीनों का विवाह हो गया। माल्यवान का विवाह सौंदर्यवती नमक स्त्री से हुआ। वसुधा का विवाह माली के साथ हुआ। वहीं सुमाली का विवाह केतुमती के साथ हुआ। इसके बाद उनका उत्पात बढ़ने लगा। वे सभी देवों, ऋषि मुनियों और साधु संतों को सताने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई उनको हरा भी नहीं पा रहा था। तब इंद्रा देवताओं सहित भगवान शंकर के पास गए। इतना सुनते ही तीनों भाई खुशी खुशी वहां चले गए। फिर उन तीनों का विवाह हो गया। माल्यवान का विवाह सौंदर्यवती नमक स्त्री से हुआ। परंतु शंकर भगवान ने उन्हें यह बताया कि वे राक्षस उनके द्वारा नहीं मारे जा सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि वे भगवान विष्णु जी के पास जाएं। ये सुनकर सभी देवता शंकर भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान विष्णु के पास चल दिए। जब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से उन्हें बचाने की विनती की तो भगवान श्री हरि ने उन्हें इस समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया और भयमुक्त होकर जाने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु और तीनों दैत्यों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें माली मारा गया। जब दैत्य इस लड़ाई में कमजोर पड़ने लगे तो वे डर के मारे लंका छोड़ पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार लंका खाली हो गई और उन दैत्यों का आतंक शांत हो गया। वही लंका फिर पिता विश्रवा के कहने पर कुबेर ने फिर से बसाई। वे वहां अपने पुष्पक विमान सहित वहां रहते थे। एक दिन सुमाली ने पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्हें पुष्पक विमान पर लंका से कहीं जाते हुए देखा। यह देखकर वह तुरंत पाताल लोक गए। वह पाताल लोक में जाकर सोचने लगे कि कब तक हम यूं ही डरे सहमे से छिपते रहेंगे और हमारा भी साम्राज्य बढ़ेगा। यही सोचता हुआ वह फिर पाताल लोक गया। पाताल लोक पहुंचते ही सुमाली ने यह योजना बनाई कि अगर विश्रवा ऋषि के साथ अपनी पुत्री कैक्सी का विवाह हो जाए तो हमें देवताओं से भी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो हमारा साम्राज्य बढ़ाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने मन की बात अपनी पुत्री कैक्सी को बताई। कैक्सी ने वही किया जो उसके पिता की इच्छा थी। जब वह अपने पिता की यह इच्छा लेकर विश्रवा मुनि के पास गई, उन्हें सब कुछ बताया तो विश्रवा मुनि ने उन्हें बताया कि वो गलत समय पर आई हैं। इस कारण उनके पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। यह सुन कैक्सी ने विश्रवा मुनि से कहा, आप जैसे ब्रह्मवादी से मैं ऐसे दुराचारी पुत्र नहीं चाहती, अतः मुझ पर कृपा करें। यह सुनकर विश्रवा मुनि ने कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा। फिर विश्रवा मुनि और कैक्सी के तीन पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए और एक पुत्री सुपंखा हुई। रावण के 10 सिर होने के कारण उसका नाम दशग्रीव रखा गया। चारों भाई बहन वन में रहते हुए बड़े होने लगे। विभीषण सारा दिन भक्ति में लीन रहते और कुंभकर्ण जहां मन करे घूमा करता था। वो धर्मात्माओं और महर्षियों को पकड़कर खा जाया करता था। उसका पेट कभी नहीं भरता था। एक दिन कुबेर पुष्पक विमान में अपने पिता विश्रवा मुनि से मिलने आए। उन्हें देखकर रावण की मां कैक्सी ने रावण से कहा, देखो दशग्रीव, तुम में और तुम्हारे भाई में कितना अंतर है।
उसका तेज कितना प्रज्वलित है। तुम भी कुछ हिस करो कि उसके समान हो जाओ। अपनी माता की ये इच्छा जानकर रावण ने यह प्रतिज्ञा ली कि वो भी अपने भाई के बराबर पराक्रमी या उससे भी बढ़कर होगा। ये सोचकर दशग्रीव अपने भाइयों सहित कठोर तप करने के लिए गोकर्ण नमक आश्रम में गया। उसने यह ठान रखा था कि वह तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वर प्राप्त करेगा। रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया? रावण ने निरंतर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 1,000 वर्ष पूरा होने पर वह अपना एक सिर होम में अर्पित कर देता था। इस तरह 9,000 वर्षों तक वह अपने 9 सिर होम में अर्पित आकर चुका था। जब 10,000 वर्ष पूरे होने को आए तो रावण 10वां सिर काटने को चला। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से कहा, हे धर्मज्ञ, तुझे जो वर मांगना है शीघ्र मांग। हम तेरे लिए क्या करें जिससे तेरा परिश्रम व्यर्थ न जाए। पहले रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तब रावण ने ये वर मांगा कि मनुष्य जाति छोड़ और कोई भी उसका वध न कर सके। फिर ब्रह्मा जी ने वर के साथ उसके कटे हुए 9 सिर भी उसको वापस कर दिए। ये वरदान ऐसे ही बना रहे इसलिए ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में एक अमृत कुंड स्थापित कर दिया, जिससे रावण की मृत्यु तभी संभव होती जब उस कुंड से अमृत सूख जाता। अब विभीषण की बारी थी तो उन्होंने यह वर मांगा कि वो सदा धर्म के कार्यों में लगे रहें। कितनी भी पड़ी विपत्ति क्यों न आन पड़े, बुद्धि सदा धर्म में ही बनी रहे। जब कुंभकर्ण की बारी आई तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की कि ये दैत्य तो बिना शक्तियों के सबको खा जाता है और उत्पात मचाता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। अगर इसने वर प्राप्त कर लिया तो बहुत ही विनाश करेगा। देवताओं की इस समस्या का हल करने के लिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का स्मरण किया। जब सरस्वती जी प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की जीभ से वही कहलाया जो देवता चाहते थे। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि वह अनेक वर्षों तक सोता रहे। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वरदान दिया। वरदान पाने के बाद तीनों भाई अपने पिता के आश्रम में गए और वहां खुशी खुशी रहने लगे। तो ये था रावण का जन्म और तपस्या द्वारा वरदान प्राप्ति का किस्सा। आगे की कथा पढ़ने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक पढ़े रावण के पूर्व जन्मों की और राक्षस योनि में जन्म लेने की कहानी। आगे पढ़िए जो आपने शायद अब तक न पढ़ा हो, रावण को मिले श्रापों और उसकी युद्ध में हुई हारों के बाद उसके अंत की कथा। क्यों नहीं लगाया था रावण ने सीता को हाथ? अयोध्या के राजाओं से पहले भी युद्ध लड़ चुका था रावण।